अब हम लोग बात करते हैं जिंक के बारे में। जिंक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्लांट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन सिंथेसिस में ये इम्पॉर्टेंट या मेजर रोल प्ले करता है। ये हेल्प करता है टू रेगुलेट प्लांट ग्रोथ। प्लांट के ग्रोथ को कैसे रेगुलेट करेगा? ये हेल्प करेगा इन प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन्स। और ऑक्सिन्स क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जब हम जिंक के सोर्स की बात करें तो ये सॉइल में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ जिंक आयन, और जिंक आयन के रूप में ही ये प्लांट्स में अब्जॉर्ब होगा। जिंक की डेफिशिएंसी अगर होगी तो हम कैसे इसको ऑब्जर्व या आइडेंटिफाई कर पाएंगे? जो लीफ मार्जिन्स होंगे वो डिस्टॉर्टेड होंगे और स्टेम के ग्रोथ में भी रिटार्डेशन दिखाई देगा। बेसिकली अब हम लोग बात करते हैं कॉपर मिनरल के बारे में। कॉपर मेजर रोल प्ले करता है इन प्लांट्स। कैसे? ये पार्टिसिपेट करेगा इन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। जो कॉपर मिनरल होता है ये मोस्टली कंसंट्रेटेड होता है इन रूट रीजन। ये ज्यादातर रूट्स की तरफ पाया जाएगा, और रूट्स में कॉपर प्रेजेंट है तो ये क्या में मदद करेगा? यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। सॉइल में जितने भी प्रोटीन्स या प्रेजेंट है उसको अपटेक करने में ये मदद करता है। दूसरा, ये एक्टिवेट करेगा एंजाइम्स को जो कि इन्वॉल्व है इन रेडॉक्स रिएक्शन। जब हम कॉपर के सोर्स की बात करें तो ये क्यूप्रिक आयन के रूप में ये सॉइल से प्लांट में अब्जॉर्ब होता है। और जब हम डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कॉपर मिनरल के डेफिशिएंसी को? ये लीव्स में ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देंगे, और अगर कॉपर एक्सेस मात्रा में प्रेजेंट है सॉइल में तो ये भी प्लांट के लिए टॉक्सिक हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे बोरोन एज अ मिनरल। बोरोन का क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है इन प्लांट? ये सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में मदद करता है, सेल डिवीजन में ये मदद करता है, फ्रूट और फ्लावर के फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है, और पोलन जर्मिनेशन में भी ये मदद करता है। जब हम बोरोन के सोर्सेज की बात करें तो ये सॉइल में बोरिक आयन के रूप में प्रेजेंट होता है, और ये इसी फॉर्म में प्लांट में अब्सॉर्ब होता है। दूसरा, ये ऑर्गेनिक मैटर में भी ये पाया जाएगा, और बोरैक्स के रूप में भी हम प्लांट्स को अवेलेबल करा सकते हैं। बोरोन की डेफिशिएंसी हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब रूट्स और फ्रूट्स में स्पॉट्स नजर आने लगे तो ये समझ जाना चाहिए कि बोरॉन डेफिशिएंसी है। लीव्स कर्ल्ड भी होने लगेंगे इसकी डेफिशिएंसी से, और इसका एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है कि जो टर्मिनल बर्ड्स होंगे वो मर जाएंगे। अगर टर्मिनल बर्ड्स डैमेज हो रहे हैं तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि सॉइल में बोरॉन डेफिशिएंसी है। अब हम लोग बात करते हैं मॉलिब्डेनम मिनरल के बारे में। जब हम मॉलिब्डेनम के रोल की बात करें तो ये एक मेजर या इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है इन मेनी एंजाइम्स। ये पार्टिसिपेट करता है इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जो कि इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके सोर्स की जब हम बात करें तो ये सॉइल में प्रेजेंट होता है इसके आयन के फॉर्म में, और आयन के फॉर्म में ही ये प्लांट में अब्सॉर्ब होता है। अब हम बात करते हैं मॉलिब्डेनम के डेफिशिएंसी के बारे में। अगर मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी सॉइल में हो तो क्या होगा? सबसे पहला कि प्लांट में ग्रोथ का रिटार्डेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगा, सीड का फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगा, और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा कि मॉलिब्डेनम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो अगर मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, और अगर मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी होगी तो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी भी क्या होगी? कम हो जाएगी। और लास्ट हम क्या देखते हैं कि मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी के वजह से पेल कर्ल्ड लीव्स भी हमें नजर आएगा। अब हम बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन मेजर कंपोनेंट होता है ऑफ मेनी एंजाइम्स। क्लोरीन के रोल की जब हम बात करते हैं तो ये इन्वॉल्व होता है
इन मेंटेनिंग अनायन एंड कटायन बैलेंस इन सेल्स। ये कैसे अनायन कटायन बैलेंस करेगा सेल्स के अंदर? बेसिकली फोटोसिंथेसिस के टाइम पे और ऑस्मोसिस के टाइम पे अनायन और कटायन का बैलेंस मेंटेन करेगा। जब हम क्लोरीन के सोर्स की बात करें तो ये क्लोराइड आयन के रूप में अब्जॉर्ब होता है फ्रॉम सॉयल बाय द प्लांट्स। और जब हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी कैसे हम मार्क करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जब लीव्स में पीलापन आने लगे, येलोइंग ऑफ लीव्स होने लगे और पौधा मुरझाने लगे, विल्टिंग जब हम देखें तो समझ में आना चाहिए कि क्लोरीन डेफिशिएंसी हो रही है। जब क्लोरीन एक्सेस मात्रा में सॉइल में प्रेजेंट हो तो ये प्लांट के लिए टॉक्सिक हो सकता है। अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि व्हाट कैन हैपन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। बेसिकली जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग टाइप के मिनरल को अलग अलग मात्रा में अब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सॉइल एंड एनवायरनमेंट, तो अगर मिनरल डेफिशिएंसी हो तो वो कैसे प्लांट को हैम्पर कर सकता है? तो सबसे पहला हम देखते हैं कि मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है क्लोरोसिस। अब ये क्लोरोसिस क्या है? क्लोरोसिस बेसिकली होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के लॉस के वजह से क्या होगा प्लांट्स में बेसिकली लीव्स में येलोइंग होने लगेगा, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, येलोइंग ऑफ लीव्स। दूसरा, मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है नेक्रोसिस। अब ये नेक्रोसिस क्या है? ये बेसिकली होता है डेथ ऑफ अ टिश्यू ऑफ लीव। लीव्स में जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे उनकी डेथ हो जाएगी अगर मिनरल डेफिशिएंसी हो जाए। फिर हम देखते हैं कि प्लांट्स में रिटार्डेड ग्रोथ नजर आएगा, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग डिले हो जाएगा, समय पर फ्लावरिंग नहीं होगा तो फ्रूट्स का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। और फिर हम क्या क्या भी देख सकते हैं, इमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बड्स, यानी कि यंग लीव्स जो अभी बन रहे हैं वो पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं हुए हैं और वो प्लांट से झड़ जा रहे हैं। बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, वो ब्लूम नहीं कर पा रहे हैं इनटू फ्रूट्स और बर्ड के कंडीशन में ही वो टूटकर गिर जा रहे हैं। तो ये भी हम एक इंडिकेशन बोल सकते हैं मिनरल डेफिशिएंसी का। सेल डिवीजन को इनहिबिट करेगा अगर मिनरल डेफिशिएंसी हो जाए। अगर मिनरल की कमी होगी, मिनरल की डेफिशिएंसी होगी तो सेल डिवीजन प्रॉपरली प्लांट्स में नहीं हो पाएगा। तो ये सारी डेफिशिएंसीज हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन प्लांट्स। यहाँ पर एक बात नोट करना जरूरी है कि अगर एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो तो ये मल्टीपल सिम्टम्स को कॉज कर सकता है। मतलब डेफिशिएंसी ऑफ वन एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम्स। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर नाइट्रोजन एक मिनरल की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो वो मल्टीपल सिम्टम्स दिखा सकता है, एक से ज्यादा सिम्टम्स दिखा सकता है। और एक बात ध्यान में रखनी है कि अलग अलग मिनरल की अगर डेफिशिएंसी सिम्टम्स की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में अगर एक सिम्टम हमें दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो सिम्टम दूसरे मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से ना दिखाई दे। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि सेम सिम्टम्स दिखाई दे सकता है अलग अलग मिनरल्स के डेफिशिएंसी के वजह से। जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर सिम्टम जुड़ा हुआ है एक पर्टिकुलर मिनरल एलिमेंट की डेफिशिएंसी से। मल्टीपल मिनरल डेफिशिएंसी के वजह से हमें एक कॉमन सिम्टम भी दिखाई दे सकता है।